श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कल इंदौर में अपने शिव महापुराण की कथा में बताया है कि 27 दिसंबर सोमवार अष्टमी को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या करें, कैसी पूजा करें, क्या उपाय है, इसको हम आपको बता रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। केसर को घिसकर चंदन बना लीजिए और उस चंदन से बेलपत्र ले लीजिए। 7 बेलपत्र लेना है आपको। बेलपत्र की ऊपर वाली पत्ती पर ओम लिख दीजिए और नीचे की दोनों पत्तियों पर एक पर माँ जगदम्बा के नाम की बिंदी लगा दीजिए और दूसरे पे भगवान गणेश और रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगा दीजिए और शिव मंदिर में जाकर शिव जी को यह बेलपत्र, 7 बेलपत्र एक एक करके अर्पित कर दीजिए। यह पूजा आपको सोमवार अष्टमी के दिन शाम काल प्रदोष के समय करना है। शाम काल को जो प्रदोष का समय होता है, प्रदोष का समय सूर्यास्त के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद का समय प्रदोष काल का समय होता है, उसी समय यह पूजा करना है। बेलपत्र अर्पित करने के बाद अपनी मनोकामना कहते हुए वह बेलपत्र, 7 बेलपत्र जो आपने अर्पित किया है उसको उठा लाइए, घर में रख दीजिए, दुकान में रख दीजिए, अपने व्यवसायिक स्थल पे जहाँ भी समस्या है उस बेलपत्र को उस नाम से घर में रख दीजिए। आप देखेंगे 1-2 महीने के अंदर आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। शिव जी की कृपा अवश्य होगी। सोमवार अष्टमी को किए गए पूजन से शिव जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनवांछित फल जरूर प्रदान करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल अवश्य लिखें।